हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज सिर्फ एक वीडियो लेके आई हूँ जिससे आपकी जिज्ञासा कुछ हद तक शांत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। फ्रेंड्स, कोई भी लेडीज़ जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में उत्सुकता बनी रहती है कि आने वाला बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा। ये तो आप 100% किसी भी तरीके से जान नहीं सकते हैं बिना अल्ट्रासाउंड के, लेकिन एक जिज्ञासा आप शांत कर सकते हैं, तो वही मैं वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि कई बार क्या होता है कि आप प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखेंगे कि उसके पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ गई है, मतलब पैरों में, हाथ में और यहाँ तक कि फेस में भी स्वेलिंग आ गई है। तो ये बहुत ही बड़ा सिम्टम है बेबी गर्ल होने का, तो आप इसे गेस कर सकते हैं, लेकिन ये 100% सच होगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। और अगर मतलब कि किसी भी लेडीज़ का जो बॉडी है वो एकदम नॉर्मल दिख रहा है, मतलब उसमें कोई भी स्वेलिंग नहीं दिख रही है और मतलब किसी पेट का आकार बस बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो आप गेस कर सकते हैं कि उसे बेबी बॉय हो सकता है। और कई बार क्या होती है कि कई मोटी लेडीज़ रहती हैं और हमें लगता है कि उनको स्वेलिंग आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, उनके ऐसे पेट निकला रहता है, उनकी बॉडी ऐसी होती है कि देख के लगता है कि उनको स्वेलिंग आ गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये सिम्टम बहुत ही ज़्यादा हद तक सच होता है, और मैं 70-80% तक बोल सकती हूँ सच होता है, पूरा 100% का श्योर नहीं लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी ये सब सिम्टम 10-20% गलत भी साबित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।